हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी आईफोन 13 एंड वन प्लस 9 आरटी के स्पीड कंपैरिजन के लिए। उसके बाद मैंने एक पोल भी डाला था, आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स ज्यादा आए आईफोन 12 के कंपैरिजन में। ऑल्दो आपको इन दोनों ही फोन्स के प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट मैंने यहाँ पे जब इन दोनों ही फोन्स का स्पीड टेस्ट करा तो यहाँ पे मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज था। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा, क्योंकि काफी सारे लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि स्पीड में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आते हैं फ्लैगशिप प्रोसेसर, तो फाइनली इस वीडियो में देखेंगे प्राइस में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलता है उतना एक्चुअल में रियल लाइफ में स्पीड में है या फिर नहीं। दोनों फोन्स 128GB मॉडल्स हैं। आपको OnePlus 9RT में 8GB ऑफ रैम देखने को मिलती है, वहीं iPhone 13 में 4GB ऑफ रैम। स्पेक्स के बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, iPhone 13 में Apple A15 बायोनिक चिप है, वहीं OnePlus 9RT में Snapdragon 888। तो स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं बूट टेस्ट। दोनों फोन्स को टर्न ऑफ कर दिया है, इसके बाद टर्न ऑन करेंगे, देखेंगे कितना डिफरेंस रहता है बूट टाइम में। ओके, सो आप देख सकते हैं iPhone 13 काफी पहले बूट हो गया एज कम्पेयर टू OnePlus 9RT। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बूट स्पीड काफी तेज देखने को मिल जाती है iPhone 13 की। स्टिल डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करेगी बूट स्पीड, मेन यहाँ पे मैटर करता है वो एप्लीकेशन लोडिंग टाइम, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। OnePlus 9RT में आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस मोड आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे टर्न ऑन कर दिया ताकि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर सके। उसके साथ आप देख सकते हैं रैम के कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, रैम एक्सपेंशन एंड रैम बूस्ट। तो रैम बूस्ट को भी मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं रैम एक्सपेंशन को भी फुली यहाँ पे मैंने कर दिया है। दोनों फोन्स कनेक्टेड एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क्स के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क है। दोनों फोन्स की बैकग्राउंड में कुछ भी रन नहीं कर रहा, सारी के सारी एप्लीकेशंस क्लोज्ड हैं। सो गाइस, स्पीड टेस्ट को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के साथ।
सो गाइस, जैसा आपने देखा यहाँ पे काइन मास्टर के रेंडरिंग में वन प्लस नाइन आर टी फास्टर था, क्योंकि काइन मास्टर एंड्रॉइड के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है। एंड काइन मास्टर को मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पे एडिटिंग करते हैं आईओएस फिर एंड्रॉइड में। आईओएस में आपको और भी वीडियो एडिटिंग एप्स देखने को मिलती है जो की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, बट वो यहाँ पे अनअवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए, तो इसलिए काइन मास्टर यूज करा। तो गाइस, आपने स्पीड टेस्ट देख लिया, फाइनली अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वन प्लस नाइन आर टी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। इससे पहले मैंने एक और स्पीड टेस्ट बनाया था जिसमें आईफोन 11 OnePlus 9 RT को कंपेयर करा था स्पीड के मामले में, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। iPhone 11 हल्का सा फास्ट था, एंड यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि iPhone 11 के बाद, मतलब कि Apple A13 बायनिक चिप के बाद, यहाँ पे आपको स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे एप्पल ने दो चीजों पे बहुत ही ज्यादा काम करा है, वो हीट मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी। आईफोन 13 में आपको बिल्कुल भी हीटिंग नहीं देखने को मिलती है, बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। स्टिल आपने देख ही लिया, आईफोन 11 ने भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, तो डेफिनेटली आईफोन 13 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, भले ही वो बात हो एप लॉन्चिंग टाइम की या फिर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। सो गाइस, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा स्पीड के मामले में कितना डिफरेंस है। सो अगर आप वन प्लस नाइन आर टी का किसी और आईफोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।